गया पति बाबू। तो अब मैं भी गुस्सा नहीं हूँ आपसे। हाँ, थैंक यू। तो अब मैं दुर्गा माँ से भी कान पकड़कर माफी मांग लूंगी। हाँ, हमारी बहू के साथ इस घर की खुशियां भी तो लौट आई हैं। आज हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया है, इसलिए इस बार दिवाली भी खूब जमकर मनाएंगे हम सब। बहू, लक्ष्मी पूजन में सबसे पहले लक्ष्मी जी की तस्वीर वाले चांदी के सिक्के पे चावल और सिंदूर से तिलक करते हैं, ठीक है? सबसे पहले पूजा होगी गणेश जी की। हर पूजा गणेश जी की आरती से क्यों शुरू होती है काका? अरे इसलिए क्योंकि गणेश जी मंगल मूर्ति हैं, सिद्धि कारक हैं। उनका नाम लेके जो भी काम शुरू होता है वो अवश्य पूरा होता है बहू। ठीक है, फिर अच्छे गणेश जी की पूजा के बाद ये सारे लड्डू मैं खाऊंगा। तुम अकेले क्यों? मैं भी तो हूँ, मैं भी खाऊंगी सारे लड्डू। बताइए ना, किसे मिलेंगे ये सारे लड्डू? किसे मिलेंगे सारे लड्डू? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पूरे संसार के तीन चक्कर लगा के यहाँ हमारे पास आएगा उसे मिलेंगे सारे लड्डू। संसार का चक्कर कैसे लगाएंगे काका ससुर जी? हाँ, मैं तो पूरी हवेली का
चक्कर काटने में थक जाता हूँ। बात करने की नहीं, बात समझने की है। जैसे गणेश जी समझ गए थे। संजय नहीं, संजय मैं समझाता हूँ। तो हुआ यूं कि एक बार देवताओं ने मिलके माँ पार्वती को एक अद्भुत फल भेंट किया और माँ पार्वती से कहा कि जो भी इस फल को खाएगा वो अति शक्तिशाली और अति बुद्धिमान भी हो जाएगा। सुनकर गणेश जी और उनके बड़े भैया कार्तिकेय दोनों आपस में लड़ने लगे, जिद करने लगे कि मैं खाऊंगा। पार्वती परेशान, शिवजी से रहा ना गया। वो बोले ठीक है, तुम दोनों में से जो सबसे पहले संसार की 3 बार परिक्रमा करके यहां वापस आएगा हम उसे फल खाने को देंगे। बस फिर क्या था, भैया कार्तिकेय फौरन अपने वाहन मोर पर बैठे और चल दिए दुनिया की परिक्रमा करने। गणेश जी वहीं खड़े रहे। चाहिए था और मिला भी उन्हीं को। वो कैसे? वो ऐसे कि गणेश जी ने अपने माता पिता की ओर देखा और जल्दी जल्दी उनके चारों ओर परिक्रमा करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें देखा और उनसे पूछा कि अरे गणेश बेटा ये क्या कर रहे हो। गणेश जी ने चलते चलते ही कहा कि अपने संसार की परिक्रमा कर रहा हूं। संतान का संसार तो उसके माता पिता ही होते हैं ना, क्योंकि वही तो उनको जन्म देते हैं, वही उनका भरण पोषण करते हैं और वही उसके रक्षक भी होते हैं। तो संतान का संसार उसके माँ पिता ही हुए ना। बस ये सुनके शिव जी खुश हो गए और उन्होंने वो फल उसी वक्त गणेश जी को दे दिया। समझे? समझ गई काका सुशील जी। बहू, बहू, क्या समझ गई? रुकिए रुकिए। ये तुम क्या कर रही हो? ये गोल गोल क्यों घूम रही हो मेरे इर्द गिर्द? बोंदिता, बोंदिता रुको, अरे चक्कर आ जाएगा तुम्हें। बोंदिता, 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 रुको, 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 रुको यहीं पे, खड़ी हो एक जगह पे। और ये बताओ चारों तरफ गोल गोल क्यों घूम रही हो? चक्कर आएगा, गिर जाओगी तुम। आपकी परिक्रमा कर रही हूँ पति बाबू। परिक्रमा? मेरी परिक्रमा क्यों कर रही हो तुम बोंदिता? क्योंकि आप संसार है मेरे। मैं संसार हूं तुम्हारा? हाँ। आप मेरा भरण पोषण और रक्षण नहीं करते हैं क्या? तक हर कदम पर मेरा साथ दिया है आपने। हर बार मेरे आने वाले कल का सोचा आपने। आज जो साथ दिया मेरा गांव वालों के सामने, वैसे सिर्फ मेरी माँ ने किया था आज तक मेरे लिए। तो आप ही हुए ना मेरे संसार। वैसे ही जैसे अभी काका सिसु जी ने बताया, गणेश जी की कहानी में गणेश जी अपने माँ बाबा को अपना संसार मानते हैं, वैसे ही छोटी सी बोंदिता और
अपनी माँ को अपना संसार मानती है। लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त हो गया है, आ जाओ सब जल्दी। जी काकू ससुर जी। चले बिनॉय, आओ भाई, इधर सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बड़े मालिक, मालिक ने कहलवाया है कि हम पूजा में मतलब यहां नीचे नहीं आएंगे। उनको लगता है कि उनके आने से किसी की खुशी कम हो जाएगी। काका, अगर बाबा ना आना चाहें तो ना आए, उनके बिना पूजा हो सकती है ना? करते हैं, बताइए। ऐसे कैसे और क्यों? अधूरा होगा परिवार तो पूजा पूरी होगी क्या? हम लाते हैं बिनॉय को, तुम लोग सब यहीं रुको। अरे पूजा करने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं हम? ये तो होगी ना पति बाबू, हमें प्रतीक्षा जो करनी है ससुर जी की। क्यों करनी है प्रतीक्षा? क्योंकि मैं चाहती हूँ दोनों ससुर जी हों दिवाली पूजा में, दोनों का आशीर्वाद लूंगी ना दिवाली पर। बिनॉय, क्या हुआ, पूजा के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? चलो आओ पूजा के लिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे आने से किसी की खुशी कम हो जाएगी? बिनॉय, परिवार है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए ना? और अगर है फिर भी तो बताओ। ससुर जी, माँ कहती है चाहे आप जितना भी गुस्सा हो पर वो गुस्सा पूजा पे नहीं निकालना चाहिए। आप पति बाबू पे गुस्सा है ना, तो आप काका ससुर जी का दिल क्यों दुखा रहे हैं? मेरा चाहे जितना झगड़ा हो मामी से, चाहे कट्टी ही क्यों ना, पर संपूर्णा दीदी और मैं कभी गुस्सा नहीं होती एक दूसरे से, हम तो प्यार से ही रहते हैं, मुंह भी नहीं फुलाते एक दूसरे को देखकर, बल्कि रसगुल्ले खाते। जब हम बहनें ऐसे मुंह नहीं फेरते तो आप कैसे काका ससुर जी से ऐसे नाराज हो सकते हैं? लगता है ससुर जी मेरी बातों से और भी ज्यादा नाराज हो गए हैं। अरे पूजा करने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं हम? चलिए ना पूजा करते हैं, सब बैठे हैं यहाँ पर। काका, बाबा के लिए क्यों रुके हैं हम? वैसे भी सुनते हैं क्या किसी की, पूजा करते हैं ना, सब आएंगे। कौन देता? अपनी दा की खुशी के लिए आया हूं।
को इसका दूसरा मतलब ना समझे। पूजा शुरू करेगा कैसे सी जी? हाँ चलो। वर्षों के बाद इस घर की लक्ष्मी ने लक्ष्मी पूजन किया है। आज हमारा घर खुशियों से भर गया है। पूरा हो गया हमारा घर संसार। बहू बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कोई नौलखा हार, कोई बनारसी साड़ी? काका, बोंदता अपनी बहन संपूर्णा से मिलना चाहती है। हाँ काका ससुर जी, मिलवा दीजिए ना मुझे मेरी संपूर्णा दीदी से, और भी खुश हो जाऊंगी मैं इस दिवाली पर। हाँ काका, काका आज अगर मैं जिंदा हूँ, सबके साथ हूँ, तो सिर्फ सौरभ की वजह से। बोनिता अपनी बहन से मिलना चाहती है, मिलने दीजिए प्लीज। हमारे बेटे अनिरुद्ध ने तुमसे हंसकर बात क्या कर ली? तुम्हें लगा तुम उसके साथ उठने बैठने लायक हो गए? तुम चिंता ना। बहु! आई। बहु! लो, मिल लो अपनी बहन से। मैं पता था कि तुम यही मांगोगी, इसलिए हमने पहले ही बुला लिया था इन लोगों को। कैसे धन्यवाद करूं मैं तेरा? तू दुनिया की सबसे अच्छी बहन है।
दादी बन गई थी मेरी। और बताओ तुझे मैंने वहाँ पे क्या क्या किया? तू दो पल शांत नहीं रह सकती क्या? नहीं ना, मैं शांत कैसे रह सकती हूँ? माफ कर दीजिए बड़े मालिक, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अरे सौरभ 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 है, अगर इतने भी पत्थर दिल नहीं है, तुमने हमारे बेटे की जान बचाई है, हमें इतनी खुशी दी है, इतनी छोटी सी गलती माफ नहीं कर सकते क्या? आज की दिवाली खूब मिष्टी दिवाली है। काका ससुर जी ठीक हो गए हैं और मेरी संपूर्णा दीदी मिल गई मुझे। पति बाबू, फिर सुरैया और रमैया दीदी और हीरा मंडी की बाकी सहेलियों से मिल सकती हूँ क्या आज? बिल्कुल मिल सकती हूँ। एक काम करते हैं सौरभ, हम उन्हें घर ले आते हैं, एक साथ दिवाली मना लेंगे। चलो हेलो, ये क्या, कौन सी नई रीत शुरू करने जा रहे हो अनिरुद्ध? मतलब ठीक है, तुम उनको तुलसीपुर में लेकर आए, हमने कुछ कहा तो कहा हमने नहीं ना, लेकिन बस अभी उन्हें हमारी उसी कोठी के अंदर ही सीमित रहने दो तो अच्छा, हमारे घर की दहलीज के अंदर ना आए। नहीं, परंपराएं बदली नहीं है। पर काका, नहीं नहीं नहीं, तुम हमें समझाने की कोशिश भी मत करो, ये जिद नहीं मानेंगे तुम्हारी। आप चिंता मत कीजिए काका, मैं आपको नहीं मनाऊंगा और ना ही मैं ऐसा कोई भी काम करूंगा जो आपको सही ना लगे, ना ही मैं पानी के मटके फोड़ूंगा, ना ही मैं अपने आप को चोट पहुंचाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से ऐसे हालातों से गुजरा हूं कि एक चीज सीख गया हूं, हमेशा गुस्से में और जोश में काम नहीं किया जाता, कभी कभी आराम से समझदारी से भी काम हो सकता है। देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप खुद उन्हें घर बुलाएंगे, उन्हें उसी सम्मान की नजरों से देखेंगे जैसे आप बाकी किसी भी महिला को देखते हैं। अपनी पुरानी परंपराएं आप खुद तोड़ेंगे काका। हमारी परंपराएं होंगी सदियों पुरानी, पर आगे भी सदियों तक रहेंगी अनिरुद्ध, लिख लो। हम नहीं मिल सकते क्या फिर? जरूर मिल सकते हैं बोंधता। हाँ, वो घर नहीं आ सकते तो क्या हुआ, हम तो जा सकते हैं ना तुम्हारे दोस्तों से मिलने। चलो हाँ, चलिए ना पति बाबू, सब चलते हैं। संपूर्णा दीदी और जमाई बाबू दोनों चलिए हमारे साथ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों? वो परिवार के बड़े लोगों के पैर छूने भी तो जाना है ना। लेकिन संपूर्णा, हमने तो सबके पैर छू लिए है ना। क्यों, आपको वहाँ जाने का बहुत मन है? अब मेरा मतलब है, माँ और बाबा ही तो घर के बड़े नहीं है ना, और भी तो लोग हैं, उनका भी तो आशीर्वाद लेने जाना है ना। चलते हैं। वंदिता, हम चलते हैं।